नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज का वीडियो लेट हो गया। एक्चुअली रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी लेट अपलोड हुई, इस वजह से वीडियो जो है आज लेट हो गया और उसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने कल के वीडियो में क्या चर्चा की थी और मार्केट में एक्चुअली आज क्या हुआ। तो दोस्तों हम अपना जो कंक्लूजन है बेसिकली मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में वो तीन डेटा पॉइंट्स की सहायता से निकालते हैं। एक होता है दोस्तों डेरिवेटिव्स का डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है, दूसरा दोस्तों हमारा जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो क्या संकेत दे रहा है, और तीसरा मनी फ्लो। तो कल बेसिकली तीनों जो हैं हमें इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट आज जो है वीक रहेगा। तो मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया और आज आपने देखा कि मार्केट ओपन तो फ्लैट हुई लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चली गई और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरी, -0.6% के साथ मार्केट बंद हुई। दोस्तों हमारे जो लेवल्स हैं यहाँ पे जो 17,250 का लेवल है वहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट होने की कोशिश करी, एक बार नहीं कई बार ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर रहा था, लेकिन लास्ट में आपने देखा कि यहाँ पे FIIs ने सेलिंग करी और नॉर्मली FII सेलिंग करने के लिए लास्ट के आधा पौना या एक घंटे के अंदर आते हैं, तो उन्होंने मार्केट को जो भी गेंस थे मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट होने वाली थी लेकिन वो सभी गेंस जो हैं वो इरेज कर दिए। तो दोस्तों अगर हम आज के डेटा की बात करें तो FIIs, जैसे कि मैंने कल भी आपको सचेत किया था कि कल FIIs की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमें केवल डिसीव करने के लिए या यहाँ गुमराह करने के लिए या भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तो आज हमने फिर देखा कि FIIs ने काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे करी, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग यहाँ पे हुई। DIIs ने मार्केट को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करी लेकिन ये कोशिश जो है इतनी कारगर साबित नहीं हुई। दोस्तों अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आज जिन्होंने मार्केट को सबसे ज़्यादा गिराया वो है बजाज बंधु, और इसके अलावा जो IT के स्टॉक्स है TCS, इन्फोसिस, हमेशा हमें इस लिस्ट में रिलायंस का नाम दिखता है बॉटम में लेकिन आज रिलायंस ने कुछ ज़्यादा कांड नहीं किया और रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने और बैंकिंग स्टॉक्स ICICI बैंक और जो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है HDFC उसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि PSU बैंक्स के अंदर लगातार सेलिंग जारी है, रियलिटी में भी सेलिंग जारी है लेकिन आज चेंज के लिए ऑटो के अंदर बाइंग की गई और बेसिकली यहाँ पे IT के अंदर भी आज सेलिंग की गई। तो बेसिकली ये सेलिंग जो है रोटेशनल बेसिस पे की जा रही है लेकिन इस समय FIIs के निशाने पे तीन पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, एक ऑटो, एक आपका IT और तीसरा आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स। तो बेसिकली ये तीन प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर सेलिंग की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे कल क्या हो सकता है या आज डेटा पॉइंट्स हमें क्या संकेत दे रहे हैं, उससे पहले मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण इवेंट की तरफ दिलाना चाहूँगा। आज रात को 12:30 बजे FOMC की स्टेटमेंट रिलीज होने वाली है जहाँ पे फेड अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सुनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं दिख रही लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि जो FOMC है उसका जो इंटरेस्ट रेट को लेके व्यू है क्या वो हॉकिश व्यू है या डोविश व्यू है, तो उसके बेसिस के ऊपर मार्केट्स रिएक्ट करती हैं और ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इस इवेंट का मार्केट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो इवेंट है ये US की मार्केट्स को तो इम्पैक्ट करता ही है, इसके अलावा हमारे देश की मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है आने वाले समय में इन्फ्लेशन की वजह से
तो यहाँ पे FIIs शायद अपना पैसा और ज़्यादा यहाँ से निकालेंगे और वो हमेशा सेफ हेवन में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली ये जो FOMC की मीटिंग है, आपको आज के डेटा पॉइंट्स में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये इम्पैक्ट ये है कि आज डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, कुछ भी मेजर एक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल ठंडा हिसाब किताब था डेरिवेटिव्स में आज। तो थोड़ा बहुत नेट चेंज तो होता रहता है, यहाँ पे क्लाइंट्स का व्यू इस समय न्यूट्रल है 1.36 से 1.34, केवल -399 ROC है। FIIs जो के काफ़ी एग्रेसिव थे डेरिवेटिव्स में, आज उनकी कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया, थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई, तो कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। तो जो भी चेंज हुआ उसकी वजह से LS रेशो तो गिरा, लेकिन अब LS रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ से जो है रिवर्सल की एक संभावना बन जाती है जब ये 1 या 1.10 के नज़दीक आ जाता है, तो लगभग उसके नज़दीक ये आ चुका है। दोस्तों प्रॉप डेस्क का व्यू यहाँ पे मार्केट के प्रति, दो इनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका व्यू मार्केट के प्रति इस समय बुलिश है। तो दोस्तों जहाँ तक बात की जाए ऑप्शन चेन की, तो एज यूजुअल मार्केट की तरह यहाँ पे मार्केट क्योंकि आज रेड में थी तो उसी हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनी, तो कुछ ऐसा यहाँ से हमें स्पेशल संकेत नहीं मिल रहा। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव जोन से आज फिर वापस न्यूट्रल जोन में आ गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि अगर मार्केट को वीक रहना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इसका रेड जोन में रहना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसका मूवमेंट देखते हैं तो ये वापस रेड जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर आ चुका है। तो न्यूट्रल जोन जो है वहाँ से जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रेड जोन से अगर आ रहा है तो हम ऐसी संभावना लगा सकते हैं कि ये वापस हो सकता है ग्रीन जोन में चला जाए। दोस्तों यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट गिरी लेकिन इसके बावजूद मार्केट सेंटीमेंट स्कोर आज इंक्रीज हुआ, तो वो हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स के डेटा में भी इन दोनों डेटा पॉइंट्स को कोरिलेट करके देख सकते हैं कि इन दोनों स्कोर्स के अंदर इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज होने का कारण है कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में पूरा मामला ठंडा था जैसे कि मैंने आपको बताया। इवन दो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हमें स्लाइट बियरिश दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमेशा एनालिसिस करते हुए अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है और ये पूरे तरीके से गलत भी हो सकता है। तो मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि जो FOMC की स्टेटमेंट है या FOMC का जो आउटकम रहेगा वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे इंडियन मार्केट में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इवेंट के बाद USA के मार्केट्स ऊपर जाएंगे। अगर US के मार्केट्स ऊपर जाते हैं ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट होगा, तो उससे क्या है कि हमारे मार्केट्स भी कल जो है पॉजिटिव या ग्रीन जोन के अंदर रह सकते हैं। तो मैं ये सभी डेटा पॉइंट्स और जो इवेंट हैं उनको कोरिलेट करके अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, हो सकता है इसका रिवर्स भी हो जाए तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि FOMC की मीटिंग के बाद मार्केट्स US के मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे देश के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा और US की मार्केट्स जो हैं इसको एक पॉजिटिवली देखेंगे, इसलिए आज उन्होंने डेरिवेटिव्स में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी। उनका रवैया वेट एंड वॉच का है कि एक बार ये इवेंट होने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें यहाँ पे सेलिंग जारी रखनी है, मार्केट को और नीचे लेके जाना है, या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो बेसिकली अगर आप केवल प्योरली रूल बुक के हिसाब से जाएंगे
तो हो सकता है आपको ये डेटा पॉइंट स्लाइटली बियरिश दिख रहे हो, लेकिन दोस्तों इंटरप्रिटेशन हर किसी का अलग अलग होता है। तो मैं हमेशा रोज़ के वीडियो में एक क्लियर इंटरप्रिटेशन देता हूँ। तो मेरा क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कल मार्केट शायद यहाँ पे ग्रीन जोन में चली जाए, और ये सभी डेटा पॉइंट्स लिंक करके और FOMC के इवेंट को लिंक करके, ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपना निर्णय खुद लीजिए। मैं अपना इंटरप्रिटेशन इसलिए देता हूँ ताकि आप जो है उस बारे में सोच विचार करें कि ऐसा क्या हो सकता है। वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस प्रोबेबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।